आई सजेस्ट अगर आप मेरी काइंड ऑफ हेल्थ हेल्थ वाले को बोल देती हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी हैक्स, हॉल रिव्यूज एंड लॉट मोर। आपने अब तक मेरे चैनल पे इस टाइप का वीडियो नहीं देखा होगा। मैं यूजुअली साड़ी एंड सूट्स के हॉल करती हूँ, बट ऑन डिमांड आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ कॉर्सेट्स और टॉप्स जो मैं आज के हॉल वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट जस्ट क्विकली गेट जंप इन टू। फर्स्ट टॉप है वो है दिस ब्यूटीफुल टॉप जो मैंने पहना हुआ है। बहुत बेसिक है बट बहुत प्यारा है। इसका जो मटेरियल है वो है 100% कॉटन एंड इट इज फ्रॉम ब्रांड बैरीलश। प्राइस इसका मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज प्राइस चेंज होते रहते हैं, यू नो। सो इसकी स्लीव्स है मिडवे बिटवीन एल्बो एंड कैप स्लीव्स, तो काफी अच्छी लेंथ है स्लीव्स की। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने इसे उल्टा पहन लिया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसे मैं इस तरह से भी पहन सकती हूँ बिकॉज बहुत प्यारा सा नेक कैसे कटआउट आ रहा है। सो वैसे ये पीछे से एकदम बेसिक है, राउंड नेक है, सो आप इसे इस तरीके से भी पहन सकते हैं और आप इसे रिवर्स करके भी पहन सकते हैं। सो दोनों वे में बहुत प्रिटी लगता है और इस टॉप का जो लेंथ है वो क्रॉप्ड लेंथ है, सो काफी स्मार्ट लगता है। आप इसे डेनिम्स के साथ, कार्गोस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। बहुत रिलैक्स्ड फिट है इसका, फ्लेक्सिबल फैब्रिक है, सो आप स्टाइलिश भी लगेंगे या आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो जो सेकंड पीस है वो है दिस ब्यूटीफुल रेड कलर कॉर्सेट। सो इसका ये ऐसे लोअर है और ऊपर ये टॉप पार्ट है और इसका जो टॉप पोर्शन है वो स्ट्रैपी है, ज्यादा स्ट्रैप ना तो वाइड है ना नैरो है, सो एकदम परफेक्ट स्ट्रैप है। और इसका आगे से भी और पीछे से भी राउंड नेक है और इसकी लेंथ भी क्रॉप्ड आती है। मुझे इसको देख के इसलिए ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं इसे ब्लाउज की तरह भी यूज कर सकती हूँ। सो आप भी अगर मेरी तरह है जो हर कपड़े को खरीदने से पहले सोचते हैं कि मैं इसे कितने तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, तो ये पीस बहुत वर्सटाइल रहने वाला है। आप इसके बॉटम्स को किसी और टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं और इसको इसके साथ भी और अलग से भी किसी टॉप की तरह या ब्लाउज की तरह स्टाइल कर सकते हैं। सो ये है फ्रॉम ब्रांड वेनी विडी विसी, मैं नाम मेंशन कर दूंगी। अरे ये बहुत अजीब सा नाम है बट मैं नाम स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड आई एम इन द साइज मीडियम, सो मुझे परफेक्टली फिट हुआ है मीडियम। बट आई सजेस्ट अगर आप मेरी काइंड ऑफ हेल्थ वाले हैं तो आप लार्ज साइज के लिए जाइएगा बिकॉज एक तो बैगी चीजों का ट्रेंड भी है और दूसरा कंफर्टेबल भी रहते हैं। सो ऐसा नहीं है मुझे फिट नहीं आया, मुझे बहुत फिटेड था ये, बट वो थोड़ा सा टमी कहीं दिखता है ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि लार्ज साइज लेना बिकॉज उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप अगर मेरी काइंड ऑफ हेल्थ वाले हो। सो इसका जो पैंट्स है वो भी बहुत बेसिक से पैंट्स है, ऐसे लाइनिंग वाला कुछ पैटर्न है, सो इसका फिट बहुत अच्छा आता है। लेंथ इसकी पूरी लेंथ है और जो बूट कट वाला पैटर्न होता है ना वो वाला पैटर्न है, लाइक नीचे से थोड़ा सा वाइड है और ऊपर से इसका फिट नैरो फिट है और ऐसे बेल्ट वाला पैटर्न है। सो जो इसका फैब्रिक है बहुत कंफर्टेबल है, काइंड ऑफ मिक्स्ड फैब्रिक है, मुझे इस फैब्रिक का एग्जैक्टली नाम नहीं पता है क्या बोलते हैं, बट कैमरे पे अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा अजीब सा फैब्रिक है बट कंफर्टेबल फैब्रिक है। अजीब इन द सेंस मुझे इसे बताना नहीं आ रहा है इसलिए अजीब है, बट काफी कंफर्टेबल फैब्रिक है। सो इसका प्राइस अब जो होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बट इट इज अंडर 800, सो काफी अच्छा उस अकॉर्डिंग ये कॉर्सेट है। बाकी आपको इसका लुक ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा और मैंने इसे कैसे स्टाइल किया है। सो दिस इज इट फॉर दिस कॉर्सेट। जो थर्ड पीस है वो अगेन एक कॉर्सेट है फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस ब्रांड बिकॉज इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको इतने स्टाइल ड्रेसेस, टॉप्स और कॉर्सेट्स मिल जाएंगे। सेल के टाइम में इस ब्रांड से परचेज करना लाइक स्टील डील। आपको जब भी कुछ और ब्रांड थोड़ा एक्सपेंसिव लगे ना, सो डू ट्राई दिस ब्रांड। इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और बहुत अफोर्डेबल पीसेज आपको मिल जाते हैं, बहुत ट्रेंडी पीसेज आपको मिल जाते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस। सो बात कर लेते हैं इस कॉर्सेट की। सो इसका जो टॉप है बहुत बेसिक सा है, क्रॉप्ड वाला है, कैप स्लीव्स है इसकी, नेक राउंड नेक है आगे से भी और पीछे से भी, और इसका जो बॉटम है वो स्ट्रेट जैसे पजामा टाइप का होता है ना वही है, फिटेड वाला जो होता है वैसा है। और इसका फैब्रिक सेम फैब्रिक है जैसा उस वाले का था, बट सबसे अच्छी बात है कि इसमें पॉकेट्स हैं बिकॉज उस वाले में पॉकेट नहीं थी, और वो 800 का है बट फिर भी उसमें पॉकेट नहीं है। एंड दिस इज आई थिंक 350 या 400 का है, मैं एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो 350 के अंदर इतना अच्छा कॉर्सेट, का कलर है वो बहुत इन है आजकल, बहुत ट्रेंडी कलर है ये, सो बहुत सूदिंग और समर के लिए एकदम एप्रोप्रिएट कलर है ये। और ये इसे देख के ना मुझे एकदम वो जो सेलिब्रिटीज का एयरपोर्ट वाले लुक्स नहीं होते वो याद आ गए कि इसे आप वो क्रिएट कर सकते हैं। और मैं अपना ट्राई ऑन साइड में अटैच कर दूंगी, मैंने भी कुछ उसी तरह में स्टाइल किया है, सो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि किस टाइप का कॉर्सेट है।
बट बिलीव मी गाइज, इस प्राइस पे ऐसा कुछ मिलना इम्पॉसिबल है। ओनली टोक्यो टॉकीज ब्रांड ही आपको इस प्राइस पे ऐसा कुछ दे सकती है। बाकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं मिंत्रा पे जिनपे आपको कॉर्सेट्स मिल जाएंगे, बट दिस पर्टिकुलर ब्रांड हैज माई हार्ट। सो जो नेक्स्ट टॉप है वो है अगेन फ्रॉम द ब्रांड बेरीलश, और ये वाली ब्रांड भी है ना, ये काफी अफोर्डेबल, इनके भी टॉप्स काफी अफोर्डेबल होते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो ये मैंने पहना है ये भी बेरीलश से है और उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और सेम इसका फैब्रिक भी 100% कॉटन मटेरियल है ये, और ये कुछ इस टाइप का रैप टाइप का टॉप है। सो आप इसे अंदर किसी व्हाइट स्पैगेटी के साथ, व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल करेंगे सो काफी अच्छा लगेगा। सो इसे भी आप टू वेज में पहन सकते हैं, लाइक वैसे तो इसमें जो मॉडल है उसने इस तरह से पहना था, राउंड नेक आगे थी और यहाँ पीछे से टाई कर रखा था। मैं मॉडल का पिक साइड में अटैच कर दूंगी जिस तरह से उसने पहना हुआ था। सो मैंने इसे एक टैंक टॉप के साथ स्टाइल किया, मैंने अंदर एक व्हाइट कलर का टैंक टॉप पहना और उसे इस टाइप से ऐसे रैप करके पहना, सो उस वे में भी काफी अच्छा लगा था। सो आप इसे दोनों तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। और अगेन मैंने इसे किस लिए खरीदा, क्योंकि मैं इसे ब्लाउज की तरह भी पहन सकती हूँ साड़ीज के साथ। सो बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड अगेन ये बहुत अफोर्डेबल है, मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल पीसेस, बिकॉज आप जानते हैं कि हम लड़कियां बार बार चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते। सो इस टाइप के टॉप्स ना, लाइक आपने थोड़ा बहुत टाइम पहन लिए और फिर उसके बाद आप डिस्कार्ड भी कर दे तो इतना दुख नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव था और मैंने डिस्कार्ड कर दिया। सो दैट्स व्हाई टॉप्स वगैरह थोड़ा अफोर्डेबल रेंज के हो तो ज्यादा बेटर रहते हैं। This is my personal opinion. So, जो last टॉप है हमारे इस हॉल वीडियो का वो है this beautiful सा black dress. इसकी हालत इसलिए ऐसे हो रही है क्योंकि मैंने इसे बहुत 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 पहना है। Like मैं इसे किसी के साथ भी पहन लेती हूँ, मैं साड़ी के साथ भी पहन लेती हूँ, मैं इसे अपने skirts के साथ, लहंगों के साथ, सबके साथ स्टाइल कर लेती हूँ। और क्रॉप टॉप है तो आप इसे जीन्स के साथ तो स्टाइल कर सकते हैं। वैसे मॉडल ने इसे जीन्स के साथ ही पहना था, मैं इमेज साथ में लगा दूंगी, और मैंने इसे स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है, मैं उसका भी ट्राई ऑन लगा दूंगी। सो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल टॉप है, इसका फैब्रिक कॉटन वाला है, हॉजरी मिक्स कॉटन जो होता है वो है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है इसका। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, ऐसे बेल टाइप की स्लीव्स है, सो बहुत अच्छी लगती है, पूरी यहाँ फुल लेंथ आती है और यहाँ पर जो बेल स्लीव्स का पैटर्न बनता है ना सो बहुत स्मार्ट लगता है। और इसका जो नेक है ना वो काफी डीप वी नेक है, तो अगर आप इतना डीप वी नेक पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अंदर कैमी वगैरह के साथ भी इसे पहन सकते हैं। सो बहुत ही वर्सेटाइल पीस है ये। सो ये है फ्रॉम ब्रांड कैशन, में जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस है और ब्रांड नेम है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज हॉल वीडियो। आई होप आपको ये छोटा सा हॉल वीडियो और थोड़ा सा अलग सा हॉल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं मेरे चैनल पे थोड़े डिफरेंट से तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।